हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। सबसे पहले आज मैं आप लोग को बताऊंगा, चाहे फेसबुक लॉकेट में चला गया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरह के प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आप लोग 30 दिन के पहले अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। अगर आप लोग को 30 दिन के पहले चाहे बाद में आपको हो जाता है, अगर आप लोग 30 दिन के पहले ओपन नहीं कर पाते हैं तो 30 दिन में आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। सेकेंड नंबर में, अगर आप लोग को लॉगिन अप्रूवल लीड प्रॉब्लम चल रहा है, अभी तक आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो आपका अकाउंट 30 दिन में डिलीट हो जाएगा। अगर आप लोग को बचाना चाहते हैं कि मेरा अकाउंट 30 दिन में डिलीट क्यों होगा, इससे कैसे बच सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप लोग को तीसरा नियम बता रहे हैं, अगर आप लोग को लॉगिन विद सिक्योरिटी की प्रॉब्लम चल रहा है, वो काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है, ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तो आपको लॉकेट में चाहे लॉगिंग अप्रूवल नीड, लॉगिंग विद सिक्योरिटी की, ये सब तीनों आपको प्रॉब्लम चल रहा है, तीनों के मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से अपनी डॉक्यूमेंट डाल के अपनी कंफर्म और आइडेंटिटी करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको नेम और डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड से मैच होना चाहिए। अगर आपको मैच नहीं करेगा तो एक्सेस लिंक जल्दी ही नहीं मिल पाएगा, तो आप लोग को ध्यान रहे। अगर आप लोग को आधार कार्ड से नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच करता है तो आप लोग जाके सही से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं आरके हेल्प्स टू में। तो चलिए मैं चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे, कैसे ये प्रॉब्लम से बच सकते हैं, आप लोग भी इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप लोग को काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है, किसी ने अभी तक आईडी ओपन नहीं किया है, तो कैसे करिएगा। तो चलिए मैं चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे, आप लोग भी इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड, मैं मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया हूँ। अगर आप लोग को 30 दिन से पहले आईडी ओपन कर लेते हैं, आपको आईडी ओपन हो जाता है, तो आपको अकाउंट डिलीट नहीं होगा। अगर आप लोग 30 दिन आपको आईडी को लॉकेट में चला हुआ हो गया है, तो आपका आईडी 30 दिन में डिलीट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, फेसबुक के द्वारा एक नोटिस आया था कि आप 30 दिन से पहले आईडी ओपन कर लेते हैं तो आपका डिलीट नहीं होगा। अगर आप लोग ओपन कर लेते हैं तो डिलीट नहीं होगा। अगर आप लोग ओपन नहीं कर पाते हैं तो आपको 30 दिन में आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मतलब ये स्टडे का नोटिस है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, 17 जून 2022 को अकाउंट डिलीट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये किनको आईडी था। मेरे ये सब्सक्राइबर थे, इंस्टाग्राम पे आए थे, मेरे बोले थे ये लॉगिंग अप्रूवल नीड का प्रॉब्लम है। आप लोग देख सकते हैं, लोहराइन सुनील के नाम से आईडी है। आप लोगों देखिए, जो लॉगिंग अप्रूवल नीड में फंसा हुआ था वो आप लोग को दिखा रहा है। देखिए आप लोग के यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरह के, मतलब आप लोग को प्रॉब्लम चल रहा है तो 30 दिन में आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग को ओपन कर लेते हैं तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। अगर आप लोग ओपन नहीं कर पाते हैं तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैंने इनको आईडी रिकवर कर दिया है, आप लोग देखिए, खुद से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मैंने दिखा रहा हूँ आप लोग के। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आईडी रिकवर हो गया। तो कैसे रिकवर हुआ, आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग रिकवर कर लीजिएगा। अगर आप लोग को 30 दिन में अकाउंट डिलीट हो जाता है तो आपका कभी भी नहीं लॉगिन होगा और हमेशा हमेशा के लिए आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो आप लोग जाके सुधार लीजिए और अपनी अपनी जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सोल्व कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि आपका अकाउंट डिलीट कभी भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक के द्वारा काफ़ी सारा अपडेट मिलता रहता है। सबसे पहले आप लोग इस तरह के कर लेने के बाद आपको प्ले स्टोर ओपन एप्लीकेशन कर लीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है फेसबुक। फेसबुक सर्च कर लेने के बाद आपको इस तरह के इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले इस तरह के आने के बाद देखिए, यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाला लाइन पे क्लिक कर देने के बाद आपको जीमेल वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ। यहाँ से क्लिक कर देने के बाद जीमेल एप्लीकेशन में चले जाइएगा और जो भी आपको करना रहेगा वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ दिख रहा होगा जो सब्जेक्ट में, अगर आप लोग को फेसबुक लॉकेड में चला गया है तो सब्जेक्ट में लिखना है योर हैज बीन लॉकेड। अगर आप लोग को लॉगिंग अप्रूवल लीड में है तो यहाँ पे आपको लिखना है लॉगिंग अप्रूवल लीड फेसबुक अकाउंट, इस तरह का लिखना है सब्जेक्ट में ओनली। अगर आप लोग को लॉगिंग विद सिक्योरिटी की में गया है तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में लिखना है लॉगिंग विद योर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम,
ये आप लोग को यहाँ पे सब्जेक्ट पे लिख लेना है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लेता हूँ लॉगिंग अप्रूवल नीड, लॉगिंग अप्रूवल नीड प्रॉब्लम। इस तरह के लिख लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ से आपको बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपको यहाँ से मैंने नोटिस कर लिया था कि क्या लिखना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं डिलीट माई अकाउंट फेसबुक नोट इन रिकवर, मतलब आपको अकाउंट डिलीट नहीं होना चाहिए, इस तरह के आपको लिख लेना है। कैसे करना है आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इस तरह के जो भी आपको रहेगा आपको सारे कॉपी कर लेना है। तो चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देखिए नेम, अकाउंट डिटेल, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, जीमेल और सब्जेक्ट में वही जो आपको प्रॉब्लम चल रहा है। तो इस तरह के आपको वहाँ पे फीडबैक डाल देना है। फीडबैक डाल देने के बाद आपको 30 दिन में अकाउंट डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है, आप लोग भी इस तरह से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर चलिए नेम डाल देते हैं। यहाँ पे फीडबैक डाल देने के बाद देखिए यहाँ पे एक अटैच फाइल वाला ऑप्शन आ रहा होगा, इस फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जो फर्स्ट में आएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम रहेगा, लॉगिंग अप्रूवल नीड, चाहे आपको फेसबुक लॉगेट में चला गया है, लॉगिन विद सिक्योरिटी की में फंसा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि मेरा अकाउंट ये इसमें फंस गया है, कैसे रिकवर करूँ। यहाँ से आप लोग सेंड कर दीजिएगा। सेंड कर देने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको 30 दिन में अकाउंट डिलीट नहीं होगा। यहाँ से आप लोग ये सेटिंग कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से मैं फीडबैक सेंड कर देता हूँ। फीडबैक सेंड कर देने के बाद आपको ईमेल पे एक इन्फॉर्मेशन आएगा, क्या आएगा आप लोग इस वीडियो में देखते रहिए क्या आता है। देख लीजिए आप लोग को इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगा जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, लॉग इन विथ वन क्लिक, मतलब आप लोग यहाँ से क्लिक करिएगा तो आपका अकाउंट में मतलब अकाउंट लॉगिंग हो जाएगा। तीस तरह के अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका अकाउंट कभी भी डिलीट नहीं होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक के द्वारा काफ़ी सारा अपडेट मिलता रहता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो नहीं समझ में आया तो शुरू से एंड तक देखिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग शुरू से एंड तक देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग को काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे फेसबुक लॉकेट में चला गया है, लॉगिंग अप्रूवल लीड में है, तो आप लोग 30 दिन से पहले आईडी ओपन कर लेते हैं तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। अगर आप लोग को 30 दिन हो जाता है तो आपको अकाउंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए शुरू से एंड तक वीडियो देख लीजिए, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक के द्वारा काफ़ी सारा अपडेट मिलता रहता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।